विकास पथ चलाया जिसकी सुविधा की दृष्टि से हमने तीन काम विभाजित किया। हिंदी भाषा के विकास को हमने क्या किया, तीन भाषा तीन भागों में विभाजित किया। पहला क्या किया हमने, आदिकाल। आदिकाल क्या था, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, ग आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल जो है आज तक चल रहा है 1800 ईस्वी से। इसमें हिंदी भाषा का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चार पर्व बांटा था, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल नई नव चेतना, नई कहानी का युग या नई कविता का युवा है। तो ऐसे हिंदी भाषा का विकास भी हुआ है, जैसे पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, हिंदी भाषा का यह आरंभिक काल है, इसलिए हिंदी का आगमन से अत्यधिक प्रभाव था, परंतु हिंदी अपनी विभिन्न बोलियों एवं उपभाषाओं के रूप में ग्रहण करके स्वतंत्र विकास की ओर अग्रसर हुआ। इसलिए इस काल की हिंदी में विभिन्न बोलियों के रूपों में मिश्रण मिलता है। हिंदी की उस समय प्रकट की तरह शब्दों को ग्रहण करने की अधिक थी, परंतु कितने भी विदेशी शब्द इसके शब्द भंडार की वृद्धि कर रहे थे, साथ ही देश शब्दों के साथ ही संख्या कम थी जिसे ग्रहण करके हिंदी आगे बढ़ रही थी। इस काल की भाषा में मुख्य रूप से बेंगल, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी, दक्षिणी बोलियों का पर्याप्त समिश्रण था। इस काल की हिंदी के साहित्यकारों में से गोरखनाथ, चंद्रभद्राय, नरपति नारा, विद्यापति, अमित दूसरे, ख्वाजा बांदा, नेवास, शाह मीरा जी आदि के नाम उल्लेखनीय। देखो हिंदी जब आदिकाल शुरू हुआ था हिंदी भाषा का, तो कौन कौन सी भाषाएं उस वक्त आई थी, मैंने परसों भी आपको बताया था, ब्रजभाषा होगी, डिंगल भाषा होगी, मैथिली हो गई, और पिंगल, खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी और कौन सी भाषा, दक्षिणी भाषा। इन सब भाषाओं का उस समय क्या था, प्रचलित था और सभी मिश्रण था। इनके जो साहित्यकार थे कौन कौन थे, गोरखनाथ, चंद्रप्रदाय, नरपति नाला, विद्यापति। विद्यापति ने क्या है, मैथिली भाषा में लिखा है। अमीर खुसरो आपको मैंने बताया था कि अपभ्रंश भाषा में लिखा है। ख्वाजा बांदा, नेवाज, इन्होंने सब क्या लिखा है, अपभ्रंश भाषा। चंद्रप्रदाय ने भी क्या लिखा है, डिंगल, डिंगल भाषा में लिखा है। चंद्रप्रदाय राजभाषा में लिखा है, डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा क्या होती है, ब्रज भाषा में अवधि मिली है, ब्रज भाषा में अवधि मिली, डिंगल बना। ब्रज भाषा में राजस्थानी बनी मिली तो डिंगल भाषा बनी, और पिंगल भाषा कैसे बनी, ब्रज भाषा में अवधि मिली तो क्या बना, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा बनी, पिंगल। डिंगल पिंगल भाषा उस वक्त की भाषा थी जिस समय चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज राजा के समय। फिर मध्यकाल आ गया, मध्यकाल की शुरुआत की बात बताई हमने जब प्रारंभ था। अब मध्यकाल में देखो क्या है, इस काल में आते हैं तो हिंदी के रूप में प्रयाग लिखा आने लगा, एक और तो हिंदी की बोलियाँ विकसित होने लगी थी, उनमें स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना होने लगी, दूसरी ओर हिंदी पर अपभ्रंश का भी प्रभाव नष्ट होने लगा। आदिकाल में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव था, ये जितने भी कवि थे अपभ्रंश भाषा में लिखे थे, और उसके बाद मध्यकाल आया तो अपभ्रंश भाषा का प्रभाव घटने लगा। कौन सी भाषा हमने लिखी, मानसी में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव घटने लगा। हिंदी अपने निहित पद पर स्वयं अग्रसर होने लगी थी। इस समय बहुत से अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग खुलकर होने लगा था। सभी विदेशी शब्द हिंदी के ढांचे में उभर कर प्रकृति के अनुकूल बोले और लिखे जाने लगे थे। विद्वानों का विचार था कि इसी काल में 3500 फारसी शब्द, 2500 अरबी शब्द और लगभग 100 तुर्की शब्द, कुछ पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि के शब्द हिंदी में आए। इस समय हिंदी में अधिकाधिक धार्मिक साहित्य लिखा गया, इसलिए अब हिंदी में प्रभाव विदेशी शब्द का अपेक्षा तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। अपने स्थान पर हिंदी